सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनेवहन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्रायं नान्यथा वादिनो जिना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं व्यति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते, इसलिए हे भव्य आत्मनो आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। दुख सुख प्राप्त करना स्वयं के जीव की परिणति के अनुसार होता है। आपके विचारों में जो उथल पुथल चल रही है उसे सुलझाने वाला कोई नहीं, भगवान भी क्यों ना आ जाए वो भी नहीं सुलझा सकते, क्योंकि अनेक भव्य आत्मा इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण एक ही है, वो मात्र निज को ना समझना। और क्यों नहीं समझता ये आप स्वयं विचार कीजिए। समझना नहीं चाहता या समझ में नहीं आता, क्यों हर्ष समझ में आता कि नहीं आता, कि चाहते नहीं हो समझना। आता समझ में सब कुछ है आदर्श भाई, भगवान की वाणी समझ में आती कि नहीं आती है, लेकिन समझना नहीं चाहते। उसका मुख्य कारण क्या है? हमारी कमजोरी, कमजोरी मूल कारण यही है। तो समझना उसे है जिसे समझा जाता है। किसे समझना है ब्रदेश भैया? किसे समझना है? जो समझता है
उसे समझना है। समझाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिसे समझना है उसे समझ ही नहीं रहे, जिसे नहीं समझना उसे समझने का प्रयास चल रहा है निरंतर। ऐसे भैया किसे समझने आए हैं, आपने अभी क्या समझा? अंदर भगवान पर वेदी पर विराजमान हो जाएंगे उसे समझने के लिए आप आए थे, लेकिन जिसे समझना है उसे आज तक समझा ही नहीं, इसलिए समझाते रहते हैं सबको कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। मूल कारण संसार भ्रमण का, दूसरों को समझाने का प्रयास। क्यों हनी, ऐसे है ना, है कि नहीं? किसे समझाया? अपने आप को समझा लो तो दूसरे को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो विचार करो किस बात का, आर्यन क्या किया आज तक? कभी अंशुल भाई को समझाया, कभी महाराज जी को समझाया, समस्याएं प्रदान कर दी, लेकिन समाधान ढूंढा ही नहीं। जो हमारे भीतर है उस समाधान को हम ढूंढते ही नहीं, समस्याएं बताते हैं, इनसे समस्या है, उनसे समस्या है, इनसे समस्या है, लेकिन समाधान नहीं ढूंढते। समस्या हुई है उसका मूल कारण तुम्हारे कर्म है, उनको ढूंढो। पूर्व में ऐसा कर्म किया इसीलिए तो दुख मिल रहा है, अब पुनः दुख प्राप्त करना चाहते हो तो दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ दो, क्योंकि अपेक्षाएं दुख की जननी है। माना कि संभव भाई हमारे पास आए और कहने लगे महाराज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए। तो क्या हमारे आशीर्वाद से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? नहीं। भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने आओगे कर्मों का क्षय होगा? होगा, होगा। जब विशुद्ध परिणाम होंगे तो असाता भी साता में परिवर्तित हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी की अपेक्षा की, महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया तो क्या हुआ? दुख मिलेगा। एक व्यक्ति चित्रकार था, सुनो दृष्टि ले जाना, समझना है विषय को। अपेक्षाएं दुख देती हैं, अपेक्षाएं दुख देती हैं। एक चित्रकार अपने पिता के पास पहुंचा, चित्र दिखाता है, पिताश्री ये चित्र देखो मैंने बहुत बनाया है, दिन भर रात भर मेहनत की, ये कैसा लग रहा है? पिता कहते हैं बेटा अभी और मेहनत करो, बरुष्ट हो जाता है। अरे उसको अपेक्षा थी किस बात की कि पिताश्री कहेंगे बहुत सुंदर है, लेकिन नहीं, पिता ने कुछ कहा है मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, राज है। गुरु भी ऐसे ही होते हैं, शिष्य नहीं समझ पाते लेकिन गुरु की दृष्टि बहुत विशाल होती है। ऐसे ही पिता भी हमारे गुरु हैं। क्या थी अपेक्षा? पिता कहें कि सुंदर चित्र बना है, लेकिन क्या कहा? अभी और प्रयास करो और अच्छा बनेगा। जैसे ही दो तीन बार फिर एक चित्र बना कर लाया, बोले पिताश्री एक चित्र और बना कर लाया हूँ, ये कैसा है? बोले और प्रयास करो और प्रयास करो। करता करता गया, ऐसा कई बार उसने किया, लेकिन पिता ने वही शब्द कहे और प्रयास करो और प्रयास करो। हमेशा उपेक्षा कर दी कि भाई और प्रयास करो सुंदर बनेगा, लेकिन उसको अपेक्षाएं थी इसलिए दुख दे रही थी। अब वही चित्र उसने क्या किया, क्या किया? अपने मित्र को बुला करके पिताजी को दिखाया और स्वयं छुप गया पीछे कि पिताजी को दिखाता है मित्र, पिताजी क्या कहते हैं। जैसे ही चित्र दिखाया मित्र ने, पिताजी कहते हैं चित्र तो बहुत सुंदर है,
बोले ये तो मेरा बेटा बना सकता है। वो बेटा सुन रहा था ये बातें, सुन रहा था कि पिताजी क्या कहते हैं। जैसे ही सुना वो बाहर आया, क्या कहता है, पहले ही कहते थे तो मुझे दुख ना होता। जहां अब बेटे की तरक्की रुक गई कि अपेक्षाएं थी सुनने की कि अच्छा बोला जाए, चित्र को अच्छा बोला जाए, तो क्या हुआ, अब उसकी उपेक्षा पिता नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ गए अब बेटा हाथ में नहीं रहा। जहां तक अपेक्षाएं थी वहां तक दुख रहा। उपेक्षा कर दी, अब ये बेटा हाथ से नहीं रहा, अब उसकी तरक्की निश्चित रूप से रुक जाएगी। उसे सुख तो मिला कि पिता ने तारीफ की, लेकिन अब उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता। क्यों क्यों? वहां उसे मान आ गया सर्वत्र लगाना, लेकिन चित्र बनाते बनाते विषय पर ध्यान रखना, समझा कैसे इसे नहीं समझना चाहिए था। उस चित्र के पीछे अपने आत्मचित्र को भूल गया। उपेक्षा करना थी उन भावों की, उपेक्षा करना थी उन भावों की जिनसे जीव दुखी होता है। समझ रहे हैं? किसी प्रकार का भी विकल्प कहीं भी हो, लेकिन आपको उपेक्षा करना ही होगी। मार्ग में एक गाड़ी लेकर जाते हो तो क्या जब कांच पर दूसरे वाहन दिखते हैं तो क्या आप उनमें प्रवेश कर जाते हो? उनकी उपेक्षा करके अपनी गाड़ी को साइड में कर लेते ना, जिससे एक्सीडेंट ना हो जाए। तो आपने किनकी उपेक्षा की? उन वाहनों की आपने उपेक्षा कर दी कि भाई साइड में हो जाओ, ये निकल जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे ही उन भावों की उपेक्षा करो जो हमें पुनः पुनः दुख देते हैं। मन में विचार आते कि नहीं, बार बार ये मन चंचल है, बराबर पुनः पुनः चलता रहता है, कहीं ना कहीं विचार आते ही रहते हैं, कहीं गलत भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं, सब भी आते कि नहीं। तो क्या करते हो, अच्छे भावों की उपेक्षा करते क्या? नहीं, उनको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो बुरे भाव आते हैं उनकी हम क्या करते हैं, उपेक्षा। क्यों? क्योंकि इनसे हमें दुख मिलेगा। इसलिए विचार कर लो, जो हमें दुख दे रहे हैं विचार, घर में रहना है, घर की भी उपेक्षा करना पड़ेगी, तब जाकर के हम इस निर्गंत अवस्था को प्राप्त होंगे। अभी हम जो बातें बोल रहे हैं, जो वचन हम बोल रहे हैं, उनकी भी उपेक्षा हमको करना होगी। क्यों? क्योंकि उपेक्षा संयम कब आएगा, उपेक्षा का फल कब मिलेगा? अज्ञान की निवृत्ति उपेक्षा का फल होता है। अज्ञान की निवृत्ति उपेक्षा का फल होता है। यदि अज्ञान की निवृत्ति मतलब उपेक्षा जिसने धारण की है वही केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ है। अज्ञान की निवृत्ति मतलब सारे संपूर्ण अज्ञान की निवृत्ति जिसकी होगी वही केवल ज्ञान को प्राप्त होगा। लेकिन कब? जब उपेक्षा को धारण करेगा। मां को बेटे से उपेक्षा है कि नहीं? आदर्श बेटा कमाकर मेरी रक्षा करेगा, वृद्धपन में मेरे काम आएगा, उपेक्षाएं हैं कि अपेक्षाएं हैं मां को। लेकिन जब तुम उपेक्षा करोगे तब जाकर तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि अपेक्षाएं हमेशा दुख ही देती हैं। क्यों भाई, अपेक्षा है कि नहीं? अपेक्षाएं बहुत है इसलिए दुख मिल रहा है। जिस दिन उन भावों की उपेक्षा करोगे तुरंत सुख मिलने वाला है, विचार कर लो। इसलिए विषय बने आइए, किसे समझाया किसे, जो समझने वाला है ही नहीं उसे समझाओ, जो समझता है, जो सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसे कौन उठाएगा? कोई नहीं उठा सकता। तीन काल में वो व्यक्ति उठ ही नहीं सकता। ऐसे ही जो पर को समझा रहे हैं
पर को उठा रहे हैं वो कभी भी उठने वाले नहीं है, वो कभी समझने वाले नहीं है। समझने वाले को ही समझाओगे तो निश्चित रूप से त्रिकालदर्शी भगवान अपने आप बन जाओगे। इसलिए विचार करो किसे समझाने का, उन भावों को समझाओ, उस आत्मा को समझाओ जो हमारे भीतर है। इसलिए विचार करना, समझ उसी को आएगी जो समझना चाहेगा। आदर्श कितने समझा लें हम निखिल को, मान जाओ अभी भी समय है, फिर भी कब मानेगा, जब उसको स्वयं समझ आएगी। चाहे आदित्य सागर समझा लें, चाहे सहज सागर समझा लें, चाहे आचार्य भगवान स्वयं समझा लें, कब से बोल रहे हैं, उम्र कितनी हो गई, 25 साल हो गए, हाँ 25 साल के हो गए हो, 10 साल से लोग तुमको समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आई। समझ में कब आएगी, जब भगवान के ज्ञान में वो पर्याय नियत तुम्हारी झलक जाएगी, और झलक ही रही है, वो कोई ना कोई काल लब्धि ऐसी आएगी और फल टपक कर गिर जाएगा कहाँ, श्री गुरुदेव के चरणों में कि हे प्रभु मुझे भी जैनेश्वर दीक्षा प्रदान कीजिए, हमारे समझाने से समझ में नहीं आया। समझ कब आया प्रमोद भैया, समझ में कब आएगा, जब हम स्वयं समझेंगे। इसलिए विचार करना है किसे समझने का, हमारे आत्मा को समझना है। तो आज से विचार कर लो, दूसरों को समझाने की जो भाव हैं उनकी उपेक्षा करो, उपेक्षा करो। यदि समझाओगे तो मैं अपेक्षा होगी कि यार ये मेरी बातें नहीं मानता, अपेक्षाएं हैं ना, अपेक्षाएं हैं कि बीरू को समझाने के बाद हम कहें कि भाई आलू में इतने जीव होते हैं फिर भी छोड़ नहीं रहा, तो हमें दुख होगा कि हमने इतना समझाया फिर भी नहीं माना, तो दुख हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपको उपेक्षाएं हो गई हैं कि व्यक्ति समझाने के बाद भी नहीं मान रहा। इसलिए मत समझाओ किसी को, समझाना है तो मात्र उसे समझाओ जो समझने वाला है, मेरा आत्मद्रव्य है उसे ही समझाओ। यही भावना भाव कि हे प्रभु हे वितराग हे सर्वज्ञ आपके प्रभाव से मुझे भी मोक्ष मार्ग का अनुसरण, संसार से विरक्ति और इष्टफल की प्राप्ति होवे। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।